Thank you, Madam Speaker. Will the Honourable Minister for Local Government, Sindh, may please to give answer statement that is it true that Sindh Solid Waste Management Board has failed to deliver in District South and District East? If the answer is yes, then why cleanup operation is still continuing? And if the answer is no, then why additional amount, which is 50 million each, has been paid for the same job to the Deputy Commissioners? Madam Speaker, ये कुछ अजीब सा सिलसिला चल रहा है इस वक्त और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा मैडम कि आप कुछ थोड़ा समझा दें क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं सिंध गवर्नमेंट की जो समझ ही नहीं आती हैं जैसे आज भी दो तीन सवाल आते हैं उनका समझ नहीं आ रहा था अब मैडम पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद भी और सीएम साहब ये जो फॉर्मर हमारे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर थे सईद गनी साहब वो भी और भी कुछ लोग बार बार बड़े फख्र से कह रहे थे कि कराची के अंदर जो हमारी जिम्मेदारी है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ की साफ़ करने की है और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के साफ करने की है जिसके लिए हम करोड़ों रुपए एक प्राइवेट फर्म को दे रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी उन्होंने स्वीपिंग भी करनी है और साथ साथ डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन भी करनी है अब मैडम स्पीकर हो रहा क्या है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कराची के अंदर एक नया सिलसिला स्टार्ट किया है सफाई का जो कि ज़ाहिर हम अप्रिशिएट करते हैं लेकिन मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जिसके बारे में सिंध गवर्नमेंट बार बार बोलती रही कि हम करोड़ों रुपए देके इन दो एरियाज की सफाई करा रहे हैं लेकिन अब इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी कचरे उठाने का सिलसिला शुरू हो गया है जो कि डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू हो रहा है और उनको 5-5 करोड़ रुपए दिए गए हैं तो मेरा पहला सवाल मैडम स्पीकर जो मिनिस्टर साहब से है वो पहला सवाल ये है कि इसका मतलब ये है कि आपका जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है जो कि जिम्मेदार है कि प्राइवेट फॉर्म से उसने काम कराना है क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर जो है पे किए जा रहे हैं स्वीपिंग के लिए भी पर किलोमीटर के हिसाब से और जीटीएस तक पहुंचाने के भी पर टन के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि पिछले 2-3-4 साल के अंदर जो काम एक प्राइवेट फॉर्म कर रही है वो काम सही नहीं कर रही अगर वो सही नहीं कर रही तो आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है और अगर इसका मतलब यह है कि वो काम सही नहीं कर रही और आप पैसे अलग से 5-5 करोड़ रुपए दे रहे हैं डिप्टी कमिश्नर को तो आपने फिर उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है या तो एक ही काम नजर आ रहा है कि एक काम के लिए दो डिपार्टमेंट्स को मैडम स्पीकर पैसा दिया जा रहा है दूसरी चीज ये हो रही है मैडम स्पीकर कि पिछले दिनों ये बात बोली गई कि कराची के अंदर से कचरा नालों से उठाया जा रहा है और नालों के बाहर फेंका जा रहा है अभी मैडम स्पीकर क्या हो रहा है के क्लिफ्टन सीवीयू के ऊपर डिस्ट्रिक्ट साउथ का जो 5 करोड़ रुपए पैसे दिए हैं डिप्टी कमिश्नर को कचरा उठाने के वो मैडम सारा कचरा उठा के सीवीयू के सामने फेंक रहे हैं उसकी मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं और मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट को दी है और उसके साथ साथ कुछ कचरा जो है आधा हिस्सा कचरे का उठा के हिजरत कॉलोनी में जाके डंप किया जा रहा है अभी हिजरत कॉलोनी मैडम वो इलाका है मेरे हल्के के अंदर माई कराची के साथ जो कि मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का सबसे एक गंदा तरीन इलाका है जहाँ पे ना सफाई का निजाम है ना कचरे उठाने का निजाम है जहाँ पे पानी नहीं आता है तो मेरी मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कॉल अटेंशन में मेरी मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें प्लीज ये क्लियर करें कि एक काम के लिए दो डिपार्टमेंट्स को पैसे क्यों दिए जा रहे हैं टैक्स पेयर्स के कोई एक तो इसके अंदर गलत होगा और दूसरी बात कि आप शहर से कचरा उठा के डिस्ट्रिक्ट साउथ से सीवीयू के ऊपर डंप क्यों कर रहे हैं ब्लॉक टू क्लिफ्टन का जो एरिया लगता है और आप हिजरत कॉलोनी में जाके कचरा डंप क्यों कर रहे हैं इसका जरा प्लीज मुझे जवाब दीजिए देखिए मैं तो